हेलो कैनियंस, माय नेम इज ऋषि रोड़ा एंड यू आर वाचिंग बी कैट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट परफ्यूम्स। हालांकि किसी एक परफ्यूम के बारे में बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि आप हर भाइयों का बजट अलग अलग होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डजंट मैटर आपका परफ्यूम कोई भी है, आप अपने परफ्यूम को कैसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। अगर आप परफ्यूम ऐसे लगाते हो कपड़ों के ऊपर, देन या फिर परफ्यूम लेने जाते हो और ऐसे करके टेस्ट करते हो, देन गिरफ्तार कर लीजिए ना। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शायद आप कर रहे होंगे, जिसके कारण आपका परफ्यूम ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता, देन मेक श्योर कि भाई आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। उससे पहले वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाओ और वो घंटा आइकॉन भी दबाना है, क्योंकि इन फ्यूचर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहोगे अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सीरियस हो। तो सब्सक्राइब और घंटा आइकॉन, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन हैक जो आप में से 95% भाई गलत करते होंगे, वो ये कि आप जब परफ्यूम लगाते हैं, आप नहा के पूरा ड्रेसअप होने के बाद परफ्यूम लगाते हैं। भाई दैट्स रॉन्ग। अगर आप अपने परफ्यूम को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो, देन आपको परफ्यूम लगाना है नहाने के बिल्कुल बाद ही, यानी कि कपड़े पहनने से पहले, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिससे हमारा परफ्यूम ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह कोई बॉडी लोशन लगाते हैं, जिससे हमारी एल्बोस के ऊपर ड्राइनेस नहीं होती, फेस के ऊपर ड्राइनेस नहीं होती, फेस के ऊपर कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं, देन आपको नहाने के बाद पहले बॉडी लोशन, अगर आप बॉडी लोशन लगाते हैं, या मॉइस्चराइजर क्रीम, अगर आप मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं वो लगाएं, एंड देन उसके ऊपर परफ्यूम लगाएं। अब आपको परफ्यूम लगाना कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से पॉइंट्स पे लगाना है जिससे वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहे, सी भाई वो आपको लगाना है ईयर्स के पीछे, एल्बोज के इनसाइड, यहाँ नेक पे, रिस्ट पे, नीज की बैक साइड, पैरों के एंकल पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्किन ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा परफ्यूम है ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लेकिन ये यानी कि सारे ही पॉइंट्स में एकदम से लगा लिया, उससे आपकी गर्लफ्रेंड का हाल पता क्या होना है। आपको सिर्फ दो या तीन जगह ही लगाना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने रिस्ट पे लगा लिया, देन एल्बोज के इनसाइड लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपने ईयर्स के पीछे लगा लिया, देन यहाँ नेक पे लगाने की जरूरत है ही नहीं। नंबर टू हैक, यू गाइस विल गोना लव इट। अगर आप अपनी इस मूवमेंट को और भी स्पेशल बनाना चाहते हो, जब भी आप अपने अंडरवियर या बॉक्सर्स को साफ करें, वो साफ करें परफ्यूम्ड कोल्ड वाटर में। आपको क्या करना है, तीन मग पानी लेना है, उसके अंदर दो बूंद परफ्यूम की डालनी है, और ये दो बूंद आपकी दो बूंद जिंदगी की बन सकती हैं। एंड आई एम डैम श्योर अगर आप ये हैक यूज करेंगे, यू नो व्हाट विल बी हर रिएक्शन। क्योंकि इससे आपका एरिया खुशबूदार और फ्रेश लगेगा, एंड एट द एंड हाइजीनिक। नंबर थ्री हैक, जब भी आप परफ्यूम लेने जाते हो और इतना महंगा परफ्यूम लेने के बाद भी परफ्यूम एक या दो घंटे बाद गायब हो जाता है और आप ऐसा फील करते हो, लूट लिया सालों, तुम लोगों ने लूट लिया, तुम लोगों ने बाजी में चीटिंग, देन भाई गलती कुछ हद तक परफ्यूम में नहीं है, आप में है, क्योंकि आपने परफ्यूम को अच्छी तरह टेस्ट ही नहीं किया। आपको क्या करना है, जब भी आप परफ्यूम लेने जाते हो, आप इसको ऐसे करके टेस्ट करते हो ना, आपको लगाओ, लेकिन साथ ही साथ सूंघना नहीं है और ना ही ऐसे करना है। आपको क्या करना है, लगाया दैट्स इट, और एट लीस्ट 20 मिनट बाद सूंघना है, और अगर 20 मिनट बाद वहाँ पे स्मेल रहती है और बिल्कुल सही जो आपको पसंद है वो है रियल स्मेल, जो ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगी अगर आप अच्छी तरह यूज़ करोगे तो। नंबर फोर हैक, अगर आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो आपको स्कूल में या कॉलेज में परफ्यूम ले जाना अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि कॉलेज में तो लेके जा ही सकते हैं, स्कूल वाले अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपकी स्कूल की ड्रेस में वो हल्की हल्की खुशबू आती रहे। एक और बात, कभी भी परफ्यूम को स्कूल की वाइट शर्ट के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे मत करना, वो स्प्रे आपके ना वाइट शर्ट के ऊपर दाग छोड़ जाएगा।
लेकिन आपको करना क्या है, जब भी आप अपनी स्कूल की ड्रेस को वॉश करें देन वॉशिंग मशीन के पानी में ना 3-4 बूंद परफ्यूम की डाल दो। उससे क्या होगा कि आपके स्कूल की ड्रेस में हल्की हल्की खुशबू आती रहेगी। एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से बहुत से भाइयों का क्रश क्लास में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है। देन भाई ये हैक इस्तेमाल करो और मेरी भाभी को इम्प्रेस करो, देन मुझे नीचे कमेंट करके बताना। नंबर 5 हैक आपके हेयर्स के लिए, अगर आप अपने हेयर्स में वो परफ्यूम की खुशबू लाना चाहते हो, आपको क्या करना है, जो हमारा हेयर ब्रश होता है उसके ऊपर स्प्रे किया एंड देन ऐसे किया एंड देन तब हम अपना जो हेयर ब्रश है अपने बालों में लगाए। अब ये नहीं है कि इसको डायरेक्ट ही ऐसे लगा लिया, क्योंकि कुछ परफ्यूम में अल्कोहल होता है जो आपके हेयर्स को वाइट कर देगा। कभी भी परफ्यूम डायरेक्ट हेयर्स में नहीं लगाना, हालांकि उसके लिए अलग हेयर स्प्रे आते हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं और ये वाला हैक काम करता है। अगर आप अपने परफ्यूम को और भी लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो देन क्या करना है, रात को सोने से पहले अपने पिल्लो पे परफ्यूम लगाएं, थोड़ा सा स्प्रे करें एंड देन सो जाएं। क्योंकि क्या होता है कि रात को हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, उससे क्या होगा कि जो परफ्यूम की स्मेल होगी हमारे हेयर ज़्यादा अच्छी तरह अब्जॉर्ब करेंगे और आपके वो हेयर्स में जो परफ्यूम की स्मेल रहेगी वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब ये पिल्लो वाला हैक आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको इंडिया के लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है। भाई रूम का जुगाड़ कर दे, भाई रूम का जुगाड़ कर दे, भाई रूम का जुगाड़ कर दे, नहीं आई समझ, जाके पोगो देखो। तो ये थी वीडियो ऐसे परफ्यूम हैक्स जिससे आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सीरियस हो। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आपको इनमें से सबसे बेस्ट हैक कौन सा लगा और आप कौन सा अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है, क्योंकि इस भाई को ना आप भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माई सेल्फ ऋषि रोड़ा साइनिंग ऑफ एंड एज आई ऑलवेज से ऑलवेज रिमेंबर, सब्सक्राइब करना था मैं भूल ही गया सब्सक्राइब भी कर लो यार। माई सेल्फ ऋषि रोड़ा साइनिंग ऑफ एंड एज आई ऑलवेज से ऑलवेज रिमेंबर, यू आर ऑसम। हमेशा ये बात अपने मन में बिठा लो, आई एम ऑसम। मैं कहना जिंदगी जीन का नहीं यार, आ जाना फिर।